अच्छा, अब यहाँ हम यहाँ चर्च के पास पहुँच गए हैं और ये चर्च के अंदर भी हम जाएंगे तो ये मार्केट है, ये विक्टोरियन मार्केट है, ये विक्टोरियन मार्केट है और ये इसके साथ का जो है चर्च है, मेन चर्च अलग है, ये दूसरा चर्च है, इसका नाम डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैं अभी चलता हूँ, वो अभी हम अंदर जा रहे हैं, इस चर्च के अंदर जाके फिर आपको बता दें। चर्च के अंदर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी, और ये मेरे पीछे चर्च का एरिया है और ये मैं आपको पूरा इसका एरिया भी दिखा दूँ। यहाँ देखें, चेक करें मेरी बैक साइड पे, और ये इनका फ्रंट है, ये इनका फ्रंट है, यहाँ से इनका बैक साइड पे आप भी चेक करें, उनकी छत चेक करें और क्या इन्होंने आर्किटेक्चर बनाया। यहाँ पर इनका पूरा साइड का एरिया और सारा इनका ये चीज़ चेक करें, छत कितनी खूबसूरत है, ये सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, ये सारा जो है इनका ऊपर पिलर बने हुए हैं, पिलर के ऊपर इन्होंने नक्शे वगैरह और अपने स्टेप वगैरह का निशान, और ये पीछे बैक साइड पे भी आपका सारा मौजूद है, जो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो ऊपर जाने का रास्ता, अगर ये ऊपर जाने देते हैं तो ये भी हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो ये भी एक बहुत मशहूर चर्च है, ये मरीन प्लांट्स के नज़दीक ही है, मार्केट के साथ ही है, और ये इनकी नक्शोनिगारी और ये इनका मेन गेट है। तो अब बस हम बाहर चलते हैं, बाहर जाने का सीन चल रहा है। तो पता लग गया इंडियन पाकिस्तानी है, उन्होंने इंडियन बजाना शुरू कर दिया। ये एक इनकी मार्केट है, विक्टोरियन मार्केट, ये म्यूनिक रेजिडेंसी से, ये मरीन प्लाट्स के बाद इधर राइट साइड पे इनकी जो एक मार्केट है, विक्टोरियन मार्केट है, और यहाँ डिफरेंट किस्म के गाने बजाने वाले भी बजाएं भाई। मार्केट में ये घूम रहे हैं हम लोग, बेसिकली ये खाने पीने की मार्केट है, ये जो आपकी क्रिसमस मार्केट थी उसकी बैक साइड पे। क्रिसमस मार्केट तो फिनिश हो गई, वो तो अब जो टेम्प्रेरी लगाए थे उन्होंने वो सारी दुकानें वगैरह वो उखाड़ हैं और तकरीबन वो काम चल रहा है, कल तक छुट्टी थी तो कल वो मौजूद थी, आज छुट्टियाँ ख़त्म हो गई इनकी क्रिसमस की, तो वो अब वो वहाँ आ रहे हैं और वो लोगों को उठा रहे हैं। बाकी ये मार्केट है तकरीबन खाने पीने की, और ये सारा इसका बैकग्राउंड जो हम बैठे देख रहे थे, अभी आप वहाँ से, हम इसकी बैक साइड से अभी आए हैं, इसकी बैक साइड से, तो अभी हम यहाँ इस तरफ उतरे, तो ये सारा चर्च वगैरह का पूरा एरिया, सेंट्रल का इनका एरिया होता है, जैसे भी ये इनका मरीन प्लाट्स का एरिया सेंट्रल एरिया है, और ये खाने पीने की चीज़ें और ये आपके ब्रांड्स और इस तरह की चीज़ें, और यहाँ देखें ये कि लेडीज़ भी है म्यूज़िक का जो है वो। तो लोगों को महसूस कर रहे होते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं, अभी मार्केट को देखते हैं अंदर की तरफ, आपको मार्केट दिखाते हैं अंदर की तरफ कैसा है। तो बस यहाँ यूरोप तकरीबन सब आपको पता है एक जैसा ही है, इन लोगों के जितने भी पुराने अपने जो इनकी मार्केट्स हैं वो सारा इन लोगों ने इस तरह किया हुआ है। अब ये भी आपको दिखाता हूँ, ये सारा देखें, सारा जो है ना वो आपकी, ये सारी इनकी ब्रेडवुर्स्ट जो है ना वो इनके मशहूर हैं, और इनका सारा ये चीज़ें मशहूर हैं, फकार ये जो है ना इनका ब्रेडवुर्स्ट, ये इनका बर्गर है, ये चेक करते हैं, ये वैसे तो होता तो पोर्क के अंदर है लेकिन बीफ में, नहीं नहीं बीफ में पूछते हैं, अरे नहीं नहीं उनसे पूछते होते हैं बीफ में, वो कहते हैं कभी कभार मिलता पूछते हैं, तो ये अभी पता करते हैं।
तो ये अभी जो चीज़ें लगी हुई देखें, ये इनके सॉसेजेस हैं जो कि सॉसेजेस इनके जो है ना वो कड़ी वेस्ट सॉसेजेस हैं, और ये मेरे ख्याल से होते उसी में ही हैं पोर्क के, ये पोर्क का गोश्त है, ये पोर्क हाँ ये जो है ना आपका ये पोर्क में बने होते हैं सॉसेजेस, सारा ये पोर्क पड़ा हुआ, ये पोर्क का गोश्त होता है, लेकिन इनमें पूछना पड़ता है कि ये जो है ना अगर बीफ कभी कभार ये चिकन सॉसेजेस में होंगे तो ये इनसे पता करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी लैंग्वेज में जो है ना इसको पता करके जो है ना फिर देखेंगे तो पता लगेगा कि भाई क्या करना है। सब्ज़ी की मार्केट भी देख लें, फल फ्रूट और सब्ज़ी वगैरह लगे हुए, ये इनकी लोकल मार्केट है और ये चलती रहती है, सारा साल चलेगी, और ये इनकी सारी मार्केट खाने पीने की और सब्ज़ी वगैरह फ्रूट बेकरी ये सारे आइटम्स इनके पास मौजूद हैं। यहाँ इनका जो है वो पेस्ट्रीज़ वगैरह का है सेक्शन है, और मस्टर्ड्स हैं, डिफरेंट किस्म के जो है पिकल्स हैं, सारे अचार हैं और सारे जितना भी कुछ है, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑलिव्स एंड पिकल्स एंड अदर थिंग्स। हाँ ये पेपरिका वगैरह, ये तो पेपरिका है तो आपका टोटल आपका उसका होता है क्या नाम है सुअर का जो है उसके कर्ड होती है, कर्ड ये है सुअर की रान से निकाली जाती है कर्ड, और ये पेपरिका उसी को कहते हैं। और ये सामने देखें ये रखा हुआ है आपका हजारपा, ये जो क्या कहलाता है स्कॉर्पियो क्या कहलाता है ऑक्टोपस जो है ये नज़र आ रहा है। ये डिफरेंट किस्म की कड़ीज़ हैं इनकी, मैंगोज़ की आई थिंक इट्स पेस्ट हैं, ये डिफरेंट किस्म के आइसक्रीम्स पेस्ट हैं, खट्टे पेस्ट हैं, ये आगे पिकल्स रखे हुए हैं, तो ये इनकी बड़ी अच्छी अचार वगैरह पिकल्स हैं, अचार हैं ये उनकी हैं, झींगे वगैरह रखे हैं, मतलब ये डिफरेंट किस्म की मार्केट है। ऑलिव्स हैं, डिफरेंट ऑलिव्स हैं, ये जो इनके अपने ऑलिव्स इनके अचार बने हुए हैं, ऑलिव्स क्या हैं टोटल पिकल शॉप है, अचार की शॉप है, और इन पे ऑलिव्स वगैरह भी रखे हुए इन्होंने। तो बेसिकली ये पूरी मार्केट है जो इनकी एक लोकल मार्केट है, और इन इस मार्केट का नाम जो है ना वो ये विक्टोरियन मार्केट कहलाती है, ये यहाँ लिखा हुआ है उसका पूरा नक्शा है, अब ये पूरा नक्शा है कि कितने हिस्से पे मौजूद है। तो ये एक विक्टोरियन मार्केट है जो नज़दीक तरीन है, जो कि आपके नज़दीक लगी हुई है कि आपके जो मरीन प्लाट्स है उसके बिल्कुल नज़दीक तरीन आपको जो है ये विक्टोरियन मार्केट मिलेगी, और ये मार्केट का पूरा हिस्सा सिद्धा है। तो ये सारी जितनी भी मार्केट्स हैं तकरीबन सेम है, आपको सारे खाने पीने की चीज़ें सब्ज़ियाँ ये वो फल फ्रूट ये चीज़ें मिलेंगे। तो विक्टोरियन मार्केट भी एक मार्केट की तरह जैसे हमारा मंगल बाज़ार और वो फ्रूट मार्केट होती है, डिफरेंट किस्म की हमारी सब्ज़ी मंडी है, तो वो हम एरिया वाइज जैसे सब्ज़ी हमारी जो लगता है एक मार्केट होती है, ये बिल्कुल उसी तरह की हमारी तो ये फ्राइडे संडे सैटरडे को लगती हैं। यहाँ इन्होंने मुस्तकिल बुनियाद पर लगाया हुआ है कि लोग आके मार्केट में से चीज़ें परचेस करें, और ये वो अचार की दुकान और सारी चीज़ें। तो अब ये फ्रूट जो है ये फ्रूट देख रहे हैं, वक्कार कह रहे हैं कि फ्रूट को देखते हैं, फ्रूट खाते हैं, मौसमी वगैरह ये तकरीबन 2.1 का स्टॉक है, और 100 ग्राम 350 हाँ खुबानी, ओ सॉरी अब ये तो वो जापानी फल है ना, ये जापानी फल जो हम नहीं खाते, वो 2.8 ही चाहिए, और ये सारे फल की शॉप है। तो बस जनाब यहाँ तो फिर यही का सीन है, कुछ यही फंडा चल रहा है, और हमने चर्च वर्च और ये सारी चीज़ें देख ली हैं, तो अब मस्जिद कोई नज़र नहीं आई, मस्जिद भी पता करेंगे, अगर कोई होती तो आपको व्लॉग में मस्जिद भी दिखाएंगे, वैसे इन जगहों पे मस्जिद जो है वो आपको ज़रा कम ही नज़र आएगी। तो अब ये है कि डिफरेंट किस्म के लोग हैं, डिफरेंट किस्म की कम्युनिटीज़ हैं, वो जहाँ आते हैं अपने मर्ज़ी का, तो ज़्यादातर इस मार्केट में जरा बीफ और चिकन नहीं मिलेगा आपको, पोर्क ही मिलेगा, तो एहतियात करें कोई चीज़ खाने से, और चिकन की कोई मार्केट अगर होगी तो हून यहाँ होगा नहीं, और बीफ भी आपको मिलेगा नहीं, तो चिकन का चांस होता है लेकिन चिकन का चांस भी कम है इस जगह पे, तो सारा आपको बीफ है, क्योंकि बीफ लवर है, इनके सॉसेजेस जितने भी जर्मन के होते हैं ये सॉसेजेस की डिशेज इन्होंने बनाई, जितने किस्म के भी सॉसेजेस हैं सब ये बीफ में नहीं होंगे, ये सारे आपके पोर्क के होंगे। तो यही चीज़ें हैं, पीछे आपको मैंने वो दिखाया अचार की शॉप जिसमें आपको ऑक्टोपस और ये भी चीज़ें, तो इस मार्केट के बाद देखते हैं इंशाल्लाह, अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाते हैं फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा मैं अभी इनके मेट्रो स्टेशन पर खड़े हैं, और अभी हम जाएंगे पार्क वगैरह इनके हैं, हॉफ पार्क है, हॉफ गार्डन है, और इनका इंग्लिश एक गार्डन है, देखें इंशाल्लाह प्रोग्राम हमारा वही जाने का बन रहा है। यहाँ से मैंने अभी थोड़ा सा ले लिया है 1.2 यूरो का, इनकी कोई ब्रेड टाइप है, और ये देखें सादा ब्रेड है, अपनी फीकी डबल रोटी है जैसे डबल रोटी होती है, सिंपल वही है,
भगवान ने थोड़ा सा हल्का सा आखिर में बिल्कुल टीके का जायका आ रहा है। 1.2 यूरो की है तकरीबन हमारे जो है वो 350 रुपये की, तो ये तो बड़ी अजीबो गरीब जाती है। 370 रुपये की तकरीबन ये 370 का हमारा ये ब्रेड पाकिस्तानी। तो हमारी मतलब की कंपनी का जो है ना बड़ा डी वैल्यू हो गई है। एक यूरो एक सिक्का यूरो जो है वो आपका तकरीबन 300 का होता है, 306 यूरो का। तो 1.20 रुपये यूरो का मकसद ये है, 360 रुपये का आपका ये डबल दिखा सकते। ये मेन स्क्वायर इनका टैक्सी स्टैंड है, ये इनका रेजिडेंस प्लाट्स है, यहाँ आपका ओडियन प्लाट्स के नाम से। बेसिकली ये इनके डिफरेंट किस्म के जो हैं वो मॉन्यूमेंट्स हैं, इनके डिफरेंट किस्म के जो है ना बाबे खड़े होते हैं और ये इन लोगों के यादगारों के तौर पे बनाते हैं। ये मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं एक चर्च है जो आपको शायद नजर आए ऊपर की तरफ, ये चर्च है। और ये पीछे मॉन्यूमेंट है जिसके पास अभी हम जाएंगे, और पीछे मेरी पूरी रोड है, और ये इन्होंने दो शेर और वो सब बनाया हुआ है। बेसिकली इनका है सिस्टम ये कि ये लोग जो है डॉग्स देखें भाई, लोग डॉग्स के साथ बड़ा प्यार करते हैं, ये डॉग्स भी लेके घूम रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, मेरे पीछे इधर देखिएगा, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनका एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम टाइप की जगहें होती हैं, चीज़ें होती हैं, ये क्लॉक लगी हुई उनकी, ये सारा जो है वो आप चेक करें इनका। और ये इनका मेन मेजरमेंट है, तीन बाबे खड़े हैं, दो बीच में शेर लगे हुए हैं, फतेह की निशानी है। कोई इस तरफ भी कोई म्यूज़ियम टाइप की जगह है, डिफरेंट किस्म के जो है ना वो ये मोनूमेंट्स के अंदर जगह है। तो आप ये देख सकते हैं ये सीन है, ये पीछे से हम आए हैं, ये इनके दो बोल बड़े बड़े तो बोल भी लगाए हुए इन्होंने, झंडा वगैरह रखते होंगे यहाँ। तो सीन ये है कि इस वक्त जो है वो हम ओडियन प्लाट्स के स्क्वायर के अंदर मौजूद है। ओडियन प्लाट्स बेसिकली स्क्वायर को कहते हैं, प्लाट्स को, और स्क्वायर का मकसद ये है कि आपका सामने पीछे आप मेरे देख रहे होंगे। तो डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं जी म्यूनिक में देखने वाली। आज का दिन हमने जो है काफ़ी चीज़ें कवर करनी है, ये ओडियन प्लाट्स का कवर किया है, मरीन प्लाट्स हम गए थे, रात को भी हम गए थे लेकिन मैंने दिन में भी आपको दिखाया। उसके अलावा इनकी विक्टोरियन मार्केट है, हमने वो भी कवर की है। देन उसके बाद हमने जो है वो वहाँ का एक चर्च था, तो वो चर्च भी हमने जो है वो क्या नाम है कवर किया है। तो यहाँ बड़े लोग हैं भाई, बड़ा फंडा है, लोग बड़ा इन्जॉय करते हैं। कल तक की छुट्टी थी, कल लोग कम नज़र आ रहे थे जहाँ भी हम गए थे, आज जो है वो इनकी छुट्टियाँ ऑफ हो गई तो लोग नज़र आ रहे हैं। इस वक्त टूरिस्ट बहुत नज़र आ रहे हैं और आवाम भी बहुत है, रोडों पे भी ट्रैफिक है, वरना कल तक जो था वो ट्रैफिक नहीं था। तो ये बड़ी अजीब गरीब अनहोनी बात होती है, हमने कहा भाई आदमी कहाँ चलेगा। तो बहरहाल ये इनका स्क्वायर है, इसको देखें जी यहाँ का क्या सीन है। Under the lion with brown robes. They didn't say it, they didn't put up a big sign. It was again part of the subtlety of propaganda. It wasn't always overt. Now I'm going to show you a place that's a monument to the beer hall putsch, where if you did not throw your hand up in the right hand salute, you went to Dachau. This is around the sun. This area, by the way, is called Odeon's Platz, built by Ludwig I. Used to have a great city gate taken down. एक और कैथीड्रल के पास चलते हैं, अंदर ये इनका भी चर्च है, वाइट चर्च के नाम से तो है, इसका नाम आप डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिएगा। ये चर्च जो है इस वक्त ठियाठी करनाओ के नाम से जो है वो चर्च है, और ये
1671-75 में तकरीबन जो है ना वो ये बिल्ड हुआ था, और बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर मैं अभी मौजूद हूँ। तो अब आप ये देखेंगे इसके अंदर, ये देखिएगा इसका अंदर का, वाओ क्या काम हुआ है। और जैसे ही बाहर आए तो सामने आपका जो है वो होफ गार्डन था। तो अभी ये होफ गार्डन का जो है वो हम लोग सर्वे कर रहे हैं। आप ये देखिएगा मेरे पीछे सारा ये जो आपको होफ गार्डन नज़र आ रहा है। और इस वक्त क्योंकि खिज़ां का मौसम है, विंटर है बिल्कुल और ख़त्म हो चुका है, तो अभी खिज़ां तो आनी है बल्कि बाहर से पहले, लेकिन यहाँ दो मौसम होते हैं, विंटर और आपका समर। तो इस वक्त विंटर में हम मौजूद हैं और बिल्कुल देख लें आप उनकी शाखें हैं दरख्तों की और पेड़ पौधे सब बिल्कुल जो है ना वो ऐसे हुए हैं। ग्रास थोड़ी बहुत आपको नज़र आ रही है, लेकिन आपको पेड़ देखें बिल्कुल बिल्कुल ऐसे टुंड मुंड जो बिल्कुल पत्तों से फारिग। और इस वक्त बिल्कुल सर्दियों का टॉप, और इस वक्त तकरीबन हमारा इस वक्त -1-2 चल रहा है इस वक्त म्यूनिख में। आज ठंड बहुत ज़्यादा, दो दिन से हम यहाँ हैं, दो दिन की बनिस्बत आज ठंड सबसे ज़्यादा है। तो अभी इसके बाद हमारा प्रोग्राम है, कोशिश करते हैं, देखते हैं इसके बाद इंग्लिश गार्डन, अगर हो सका तो आपको इंग्लिश गार्डन भी दिखाएंगे, हो सका तो आपको इंग्लिश गार्डन दिखाते हैं। लेकिन ये होफ गार्डन है जिसके बारे में भी थोड़ा सा चलते फिरते हैं, यहाँ से आपको ज़रा बताते हैं ये होफ गार्डन जो है वो आपका किस तरह का है और क्या चीज़ है और उसके किस तरह का देखना है। ये हमारे अगर शालामार बाग को भी आप बनाएं तो वो भी तकरीबन इस तरह ही बनेगा। अगर आप इसको चेक करें तो ये देखें कि आप इनके हाथे पे इन्होंने बैठने की सिटिंग एरिया और किस तरह मेंटेन किया हुआ। हमारे शालामार बाग को भी हमने लाहौर के ख़राब किया हुआ, कायदे आज़म के मज़ार का पार्क है वो हमने मेंटेन किया। तो बेसिकली ये गार्डन ही है, इसको हमारे ये आपका म्यूनिख रेजिडेंसी है, सामने जो आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग, ये म्यूनिख रेजिडेंसी के नाम से है। और जैसे ही हम इसके बाहर निकलते हैं तो ये आपको गार्डन नज़र आता है जो कि आपके सामने है। तो ये एक होफ गार्डन है और इसका एक बहुत बेहतरीन सेंटर में उन्होंने ये पगोडा बना रखा है, एक छोटा सा जो उसकी निशानी है, पीछे भी उनका एक बना रखा है उन्होंने एंट्रेंस की और इस जगहों को। तो बेसिकली होता क्या है कि ये लोगों ने अपने लिए जो है वो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ बना रखी हैं, एक ही जगह पे बहुत बड़ी चीज़ है। जो मैंने बताया ना ओड्स ओडियंस प्लाट्स का जो है वो आपका जो स्क्वायर है उसी के अंदर आपके राइट साइड पे जैसे आप निकलते हैं तो म्यूनिख रेजिडेंसी आपको नज़र आती है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे आपको चर्च आया जो हमने बताया था कि जो 350 साल पुराना था। और यहाँ ये फिर उसके म्यूनिख रेजिडेंसी के बिल्कुल साथ ही मुतसिल बिल्कुल लगा हुआ जो है ये होफ गार्डन है जो कि आपको मेरे पीछे भी नज़र आ रहा होगा उसका पूरा आता जिसके अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ। तो बेसिकली ये होफ गार्डन था जो कि म्यूनिख का बहुत मशहूर गार्डन है। उसके बाद दुनिया के टॉप 10 में जो बेहतरीन आपकी चीज़ें आती हैं, आपकी पब्लिक प्लेसेस आती हैं, उनमें एक नाम है इंग्लिश गार्डन जो कि 9वें नंबर पे आता है।
वर्ल्ड टॉपेस्ट टॉप टेन में से जो है वो 9वें नंबर पे है। तो उस इंग्लिश गार्डन को भी हमने देखना है, तकरीबन उसकी भी तकरीबन ऐसी हालत होगी, और इसके पीछे ही बता रहे हैं नज़दीक पे तकरीबन 5-6 मिनट की वॉक बता रहे हैं। तो अभी जाते हैं उसको भी देखते हैं, अगर हो सका तो उसको देखेंगे। थके हुए हैं, थोड़ा थकावट ज़्यादा हो गई है, तो अभी हम होटल अपने जाएंगे। चेकआउट हम कर चुके थे, लेकिन हम जाके वहाँ थोड़ा सा सिटिंग एरिया बना हुआ वहाँ जाके बैठेंगे। तो यही सोच रहे थे कि इस होप गार्डन के बाद वहाँ चलते हैं या इंग्लिश गार्डन को देखते हैं। तो जब इतनी दूर आ गए तो थोड़ा सा रह गया, तो इंग्लिश गार्डन को भी देखते हुए चलते हैं। तो अभी वकार और उनसे बात करते हैं, फिर आपको डिसाइड करके बताता हूँ, क्योंकि मैं अभी तकरीबन थोड़ा थक चुका हूँ और थोड़ा दोपहर का भूख भूख लग रही, खाने का दोपहर का खाना भी हमने नहीं खाया, थोड़ा सा स्नैक्स हमने ले लिए थे चर्च के अंदर बैठे थे और इर्द गिर्द। तो थोड़ा सा उसके बाद देखते हैं, आपको बताते हैं, अगर इंग्लिश गार्डन हो सका तो इंशाल्लाह उसमें ज़रूर जाएंगे, नहीं तो फिर हम इंशाल्लाह आपके साथ टच में रहेंगे, और रात को जब हम वियना जा रहे होंगे तो मैं फिर आपको बताऊँगा। तो जब तक के लिए जो है वो आप साथ हमारे रहिएगा, मैं तो साथ घूम ही रहा हूँ, साथ साथ आपको भी घुमा रहे हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं अभी इस वक्त सर्दी में, हम सर्दी बर्दाश्त करके थकावट के साथ साथ हम लोग खुद घूम भी रहे हैं, और ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि ये चीज़ें आपको भी बताई जाएंगी, अट्रैक्टिव क्या चीज़ें हैं। तो बेसिक होप गार्डन को मैं तकरीबन दूंगा 10 out of 6, और रेजिडेंसी जो है म्यूनिक रेजिडेंसी आपकी मैंने देखी है, बाहर से इतना ज़्यादा नहीं है, अंदर उनका पूरा एक वो सिस्टम था, वो आजकल बंद है, छुट्टियाँ हैं तो उन्होंने इसको बंद किया हुआ है, तो उसकी एंट्री आज बंद है, कल से खुलेगी हमारी बैड लक। उसकी एंट्री फ़ीस है, बाहर के जो जगह है उसकी एंट्री देखने की आपकी तकरीबन फ़ीस है 9 यूरो, और उसके साथ म्यूनिक रेजिडेंसी के साथ उनका जो आगे का जो उनका अंदर का हिस्सा है और बाहर के हिस्से में जो उनका पूरा एक कॉम्प्लेक्स है उसको देखने के साथ जो है 9 यूरो थे, तो 18 बनते हैं, लेकिन अगर आप इकट्ठी फ़ीस लेते हैं तो 14 यूरो की बनती है। तो इकट्ठी टिकट जो है वो 14 यूरो की है, लेकिन बैड लक हमारी कि वो आज बंद है और वो कल से खुलेगा। छुट्टियाँ हैं क्योंकि आज जो कंप्लीट हो गई थी छुट्टियाँ, लेकिन उन्होंने मेंटेनेंस के लिए आज इसको बंद किया हुआ है, और कल खुला हुआ था लेकिन कल हमें पता नहीं था तो हम नहीं आ सके थे, और अब ये कल इंशाल्लाह खुलेगा। मौसम भी बड़ा अच्छा बन चुका है, इस वक्त 3:30-4 बजे का टाइम है, और मुझे लगता है या तो बारिश होगी या बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मौसम की जो है ना हेर फेर चलती रहती है, म्यूनिक के मौसम का कोई पता नहीं लगता। लोग यहाँ मैंने देखा था मुख्तलिफ जैकेटों में आते हैं, तो अब हमें अंदाजा हुआ कि वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि हम लोगों को कल इतनी नहीं लग रही थी, आज हम पहन के आए तो आज हमें चीज़ें पहन के आए उसके बावजूद भी लग रही है। तो बस चलते हैं, अभी वकार भी मेरे साथ आ गए हैं, तो तकरीबन हम थक भी गए हैं, दोपहर का खाना वाना भी नहीं खाया, तो मेरे ख्याल से अगर हमारी मूड हुआ तो हम इंग्लिश गार्डन की तरफ जाएंगे और दिखाते हैं फिर।